भैया रो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली हमारे राजेंद्र त्रिवेदी। जैसो कि भैया सभी जने जाना थो को बुंदेली चुगली सभी प्रकार की खबरें अपने दर्शकन खान दिखाऊ जो लाइव प्रस्तुति दे रहे। भैया आज नवदुर्गा को शुरुआत है, आज पहलो दिन है नवरात्रि जी का बोला था चैत की, चैत मास की नवरात्रि को पहलो दिन है। तो भैया सभी जनन खा नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सबको मंगल करें, सबको कल्याण करें और जब बीमारी जल्दी से जल्दी हमारे देश से भगे यही भैया सभी प्रार्थना करें। हमारे दर्शक भी पूरे संसार यही माता से प्रार्थना करें कि जब बीमारी जल्दी से जल्दी भगे। अब हम आपका दिखवा रहे, देखो जो है प्रसाद की दुकान से हम शुरुआत करवा रहे कि जैसे कि होते हैं कि मंदिर में जाओ कहूँ जाओ तो भैया प्रसाद चढ़ाओ भक्त। तो देखो प्रसाद की दुकानें सजी भई हैं और सबसे बड़ी बात कहा कि हमारे दुकानदार भाई भी ध्यान दे रहे कि देखो सैनिटाइजर है, मास्क है, जब व्यवस्था है। और भैया बगैर मास्क पालन का प्रसाद भी ना दे। देखो कानून गाइडलाइन सब जने पालन करियो भैया और मास्क लगाओ, इनमें लापरवाही ना करो। देखो जे हैं दुकानदार सब समझदार दुकानदार हैं भैया, जो शासन की गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंस से लगा के हर चीज़ से। देखो नए लड़का हैं लेकिन मास्क लगाएं सब भाई। हम एक एक चीज़ ऐसे दिखाऊ कि जी में जनता जो देखे कि हाँ भैया नहीं पालन हो रहा, कोई लापरवाही ना करे। अब हम चल रहे भैया माता के दरबार में, आप लोगों ने लेके या लाइव प्रस्तुति है घर बैठ के। देखो पीताम्बरा माता के दर्शन आपका हम अपनी लाइव प्रस्तुति के माध्यम से करवा रहे। तो देखो अब भक्त शुरू हो गए आओ, बहुत सी भैया कोरोना की वजह से भीड़ नहीं लग सकत, शासन की गाइडलाइन है इसे आदमी कम संख्या में आओ। लेकिन जो एक ऐसा दरबार है, ऐसा दिव्य दरबार है माता पीताम्बरा को, सटई रोड पे है, छतरपुर से ही की 5 किलोमीटर दूरी है, जो सटई रोड में है। देखो दुकानें लगी हैं सब, केवल समस्या एक है भीड़ काय कम है कि भैया भीड़ इसे कम हो रही कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से आदमी घर में नहीं निकल रहा, शासन को जो प्रशासन को आदेश है जो गाइडलाइन है ऊ की वजह से। अब हम अंदर के दर्शन भी करवा दी भैया आप सभी जने। जय हो माता पीताम्बरा भैया। तो जो है बेटा मास्क लगाओ, देखो ये बेटियाँ, देखो भैया छोटी छोटी बेटियाँ हैं लेकिन समझदार हैं, मास्क लगाए हैं, बहुत समझदार है भैया। छतरपुर के लड़का बेटिया भी देखो मास्क लगा के चल रहे, कानून को पालन कर रहे, गाइडलाइन को पालन कर रहे। अब चल रहे भैया माता के दर्शनन के लाने, माता के दर्शन करो भैया घर बैठ के सभी जने। लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम आपका दिखवा रहे, घर बैठ के देखो सभी जने, दर्शन करो और पुण्य लाभ लो। जो आज पहलो दिन है जे हैं भैया पंचमुखी बब्बा जी हनुमान जी महाराज, आज उनको भी दिन है। कितनों पावन पुनीत है कि आज उनको भी दिन है, मंगलवार है भैया। और जो देखो जैसो कि देखो जा सकत, जब दरबार माता की घंटा बज रहे, एक एक हम लाइव प्रस्तुति है भैया बुंदेली चुगली की। आप सभी जने जुड़े आओ घरे बैठ के, आनंद लो घरे बैठ के। देखो आज जो बता रहे थे कैसा लग रहा, पहलो दिन है बता। अच्छा लग रहा, दर्शन हो गए। हाँ। तुम्हें कैसा लग रहा तुम बताओ। अच्छा लग रहा, दर्शन करे माता से क्या मांगो। विद्या। वेरी गुड भैया, देखो कितो समझदार है कि दर्शन हो गए। कैसा लग रहा आज आके माता? अच्छा लग रहा भाई साहब। देखो भैया भक्तन की खुशी देख लो, छोटे बच्चा से लगा के सभी जने जी हैं भैया भोले बाबा बिराजे की तरफ, नंदी बाबा के संगे उनको जोड़ा तो दुनिया जानते ही है कि बिना उनके नहीं रह सकते। तो जे देखो नंदी बाबा भोले बाबा के दर्शन करो। अब भैया हम चल रहे अंदर की तरफ, हम माता की दर्शन करवाए लाइव प्रस्तुति के माध्यम से। आ जाते आगे क्यों सुन लगा? अच्छा लगा देवी जी के पास आके दर्शन बहुत अच्छे लगे। माता से कृपा, माता से जी है कि भगवान अपने परिवार में सुख शांति दे, सब लोग अच्छे रहें। जो है भैया मताई बहने जो आशीर्वाद देती हैं वो वही है, उनको क्या वो वही मांगो है कि सबको अच्छे से रहे, सुख चैन से रहे। और जब बीमारी माता जल्दी से जल्दी इतने से दूर कर दें। जय भैया बब्बा जी बिराजे, बब्बा जी देख दर्शन करो, बब्बा जी के सभी जन बजरंग बली बब्बा महाराज हैं। अब पंचमुखी महाराज के दर्शन करे थे आप लोगों ने। अब देखो जी है गणपति बब्बा भैया, जैसे ही भगवान है वैसे ही भक्त भी है। छोटो सो देखो काय कैसा लग रहा आज पूजा कर रहे, कैसा लग रहा? अच्छा, गणपति भगवान क्या मांगो? बहुत बढ़िया, देखो बुद्धि मांगी भैया, बुद्धि के देवता माने जात गजानन हमारे भैया। भैया देखियो माता बहने पीछे हैं, तो बुद्धि के देवता माने जात
गजानन महाराज। तो देखो उन्हें का मांगो, छोटो सो लड़का, उन्हें मांगी बुद्धि। भैया कछु न कछु भगवान के दरबार में आके आदमी मांगे थे, मानता हूँ सब हूँ। अब हम आपका दर्शन करवा रहे सीधी लाइव प्रस्तुति के माध्यम से, माता पीताम्बरा के दर्शन करो भैया सभी जन। आज कोरोना की वजह से भीड़ कम है, नहीं तो आदमी बनत नहीं है, बहुत अपार संख्या में भीड़ हो। अब जो है भैया लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप दर्शन करो भैया, सबका दर्शन करवाओ। देखो अगर समय मिले तो भैया पुजारी जी से भी बात कर दिया, लेकिन अब भीड़ की वजह से कोई खलल न पड़े, पूजा अर्चना चल रही, भक्त भी भैया आउ जा रहे, भक्तन की संख्या जुड़ जा रही, लेकिन कम कोरोना की वजह से। इसे घर बैठ के देखो लाइव प्रस्तुति के माध्यम से, हम यही से दिखवा रहे कि भैया कछु छूटे न, इतने नहीं आ पाए, नया आओ घर बैठ के दर्शन करो माता पीताम्बरा की दरबार में, बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति। अब देखो भैया इसके बाद हम परिक्रमा भी दिखवा रहे हैं आपका, कितने से भक्त जो परिक्रमा लगाऊ थे माता की। जो है भैया कितनों विशाल भव्य मंदिर है, मंदिर भी भैया दिखाओ, चलो दर्शकन का, कितनों विशाल भव्य मंदिर है माता को, कितनों विशाल दरबार सजते थे, भक्तन की मनोकामना पूर्ण। देखो भैया जो शंख बज रहा हो, जो है अब पूजा अर्चना चल रही है, अब शंख बज रहा हो भैया, देखो सुनो, बहुत बड़ा सौभाग्य है भैया बुंदेली चुगली परिवार भी ऐसे समय में आप लोगों का कम से कम दिखवा सकें, तो हम इनको भी अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझ कि आप और घर बैठ के माता के दर्शन करो और हम आपका एक एक दृश्य दिखवाएं माता को, सुंदर दरबार सजत। लेकिन कोरोना की वजह से जैसे कि हम बार बार कह रहे, तो भैया सभी जने ध्यान दो, सभी जने पालन करो ये बात का, अन्यथा न लो ना मजाक समझो, हम हकीकत दिखाओ बुंदेली चुगली, हकीकत के लाने जाने जात। जो आंकड़ा आ रहे हैं देश में प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, चिंताजनक हैं। माता देखो भैया बहुत बढ़िया सुंदर घरे बैठ के देखो सभी जने, आरती चल रही भैया, देखो माता की आरती हो गई। माता पीताम्बरा की जय, जय माँ पीताम्बरा। भैया और बुंदेली चुगली आपका लाइव प्रस्तुति के माध्यम से घरे बैठ के देखो, जो बहुत सुंदर समय है, जो देखो आप कितना मनोहारी दृश्य है, माता की आरती हो रही, भक्त के विराजमान है, देखो घंटा से संग से करतार से लगा के, देखो लड़का बिटिया बहु मताई भैया सभी जने, छोटे छोटे बच्चन से लगा के सभी जने, लगभग लगभग कोई बाकी नहीं, जो माता को आशीर्वाद मिले भैया के सभी जन कहें, तो आशीर्वाद है माता को कि जो मनोकामना मांगी जात वह पूरी हो थे। तो हमने भी आज पहले दिन होवे के नाते, तो नवरात्रि को पहले दिन है चैत मास में, तो भैया हम अपने दर्शकन का घर बैठ के दर्शन करवा दें, क्योंकि तो नहीं आ पा रहे, नहीं निकल पा रहे, तो उन्हें कम से कम दर्शन तो हों, जो बुंदेली चुगली को भैया धर्म ही है, अर्ज है, हमें दर्शकन के लाने करने पर है। आरती को आनंद लो भैया सभी जन, देखो माता की आरती हो रही, शंख करताल आवाज आपका सुना रहा हूँ भैया, जय माता पीताम्बरा भैया महारानी। भैया बुंदेली चुगली की धर्म यात्रा आप लोगों ने देखी भी है, बहुत बार देखी है, बुंदेली चुगली की धर्म यात्रा के माध्यम से हम आप हाँ जी दर्शन करवा रहे माता पीताम्बरा की,
और प्रयास हमारा यही रहे कि हम आपका लगभग लगभग रोज एक न एक स्थान के दर्शन करवा दी। बुंदेली चुगली को जो प्रयास है लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप उन्हें देख भी सकत कि भैया कितने बढ़िया घंटे शंख बज रहे। देखो आरती चल रही है, अंदर देखो भक्तगण जो है भैया घंटा बराबर बज रहे। जब भैया आदमी आ जा रहा हो भैया, भीड़ केवल कोरोना की वजह से भीड़ कम है। अब हम भैया जब प्रस्तुति इतनी समाप्त कर भी भैया आ रहा माता पीताम्बरा सभी जन के सो आशीर्वाद दें, सभी जन के लाने मंगल कामना। भैया बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से भी माता के श्री चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। अब भैया फिर कोनो खबर लेके हम हाजिर हो भी, कल फिर कोनो नए दरबार के दर्शन करा भी। तब तक के लाने सभी जन के हमारी राम राम।